ऑफ पेमेंट, उसका क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन वगैरह हमने देख लिया। अब अपना सेकंड सेशन शुरू करते हैं, एक्सचेंज रेट रिजीम्स। दो टाइप की होती है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग या फिर फ्लेक्सिबल। ये थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम वो अपने एमएसपी मैकेनिज्म के पैरेलल है। एमएसपी में क्या होता है, सरकार मान लो गेहूं का उसने बोल दिया है मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस 1400 रुपए प्रति क्विंटल, मतलब किसानों को छूट है कि वो किसी प्राइवेट व्यापारी को जाके उस कीमत पे बेच दे, और अगर उनको इस दाम पे नहीं कोई खरीद रहा है देन दे कैन गो टू गवर्नमेंट और एफसीआई, उस दाम पे वो खरीद लेगी। तो ये अपना एमएसपी मैकेनिज्म है, उसे ही कुछ रिलेटेड ही अपना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में सेंट्रल बैंक खुद तय करती है कि अपनी करेंसी की विदेशी करेंसी के साथ क्या एक्सचेंज रेट होगा। मान लो राजन भाई ने बोल दिया $1 बराबर 10 रुपए, ये मेरा ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है, या फिर मैंने इस दाम से रुपी को डॉलर के साथ पैक किया है। इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि जितने भी भारत के अंदर फॉरेक्स डीलर हैं, फॉरेक्स डीलर मतलब ये सारे बैंक भी आप वहां पे ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एयरपोर्ट पे जाओ तो कुछ एजेंट भी वो काम करते हैं, वो सभी लोग इसी दाम पे उन्होंने फॉरेन करेंसी को बेचना होगा। क्यों? क्योंकि वरना आरबीआई इनको पनिश कर सकती है अंदर फीमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इस प्रकार की ये थी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम, अप टू मार्च 1992 तक ये सिस्टम अपने को अपना के रखी थी। यहां पर राजन भाई ये बोलते हैं कि भाई $1 ₹10 में आपको वहां ये लोग बेचेंगे, किसी संजोग में आपको उस दाम पे वहां पे फॉरेन करेंसी नहीं मिल रही है, नो प्रॉब्लम, आप मेरे पास आइएगा, मैं अपनी तिजोरी से आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इक्विलिब्रियम बना होगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह होता होगा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। लेकिन फिर एक्सटर्नल शॉक भी कभी कभी आ सकते हैं और इस सिस्टम को गड़बड़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फिक्शनल केस देखते हैं, मान लो ओबामा ने एक नई स्कीम चालू की, मार्टिन लूथर किंग जूनियर पीटीसी कर लो योजना। इस स्कीम का फीचर ये है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अमेरिका की पीटीसी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, $1,00,000 उसकी फी रहेगी, और फिर आप कोर्स करोगे तो अमेरिका के अलग अलग गांव जिलों में हम आपको $2,500 की फिक्स सैलरी पे। अब आप सोचिए ये एक्सटर्नल फैक्टर अपनी ये जो रिजीम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम उसको कैसे परेशान कर जाए। पहले तो मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम बना था कि भाई भाई ने बोल दिया कि $1 के ₹10 और जनता उस दाम से वहां पे करती थी, हो सकता है दो चार लोगों को नहीं भी मिलता होगा तो वो लोग राजन भाई की फॉरेक्स रिजर्व से लेके आते और राजन भाई उसको सस्टेन भी कर पाते। अब अचानक से ये नई जो योजना आ गई तो स्वाभाविक है भारत के कई सारे लोग अपने खेत जमीन सब कुछ बेच के लाइन में लग जाएंगे कि ये लीजिए ₹10,00,000 की सूट केस और सामने अपने को $1,00,000 आप दे दीजिए और हम वहां पे जाके पीटीसी करना चाहते हैं। तो क्या हुआ, मतलब ये अपना इक्विलिब्रियम गड़बड़ा गया। अब एक तो बात ये हो सकती है कि ये फॉरेक्स डीलर के पास उतने डॉलर हो ही नहीं उनकी तिजोरी में, तो वो क्या करेंगे, फिर ये करेंगे कि राजन भाई को रिक्वेस्ट करेंगे कि यार ₹10 नहीं 12, 15, 20, 25 में हमको करने दो। कुछ लोग उनके पास होगा तो भी वो डॉलर नहीं है ऐसा बोल के जानबूझ के शॉर्टेज करेंगे ताकि राजन भाई को कंपल्स किया जा सके कि आप ये उसको और बढ़ा दो। अब राजन भाई क्या बोल के गए थे कि अगर आपको फॉरेक्स डीलर्स के सामने से ये नहीं मिल रहा है तो आप मेरे पास आइएगा। तो अब ये सारे लोग अपने ₹10,00,000 की सूटकेस लेके भाई के पास जाएंगे, भाई अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर इनको $1,00,000 की सूटकेस दे देंगे। अगर ऐसा करते गए तो एक ये आएगा पोजीशन कि इनकी तिजोरी खाली हो जाएगी, फॉरेक्स रिजर्व जीरो हो जाएगा। फिर भी अगर राजन भाई ये सोच के चले कि नहीं मैंने तो बोला है कि $1 = ₹10 और मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता, तो फिर राजन भाई ने क्या करना पड़ेगा, उन्होंने ही फॉरेस्ट डीलर से भारत के या किसी बाहर के वहां से उधारी में लाने पड़ेंगे डॉलर, और वो फिर मांगेगी कि नहीं हम तो $1.15 में बेचेंगे, आप उतने रुपए हम दीजिए, राजन भाई अपनी तिजोरी से रुपीज इतने निकालेंगे या इतना नोट छाप के देंगे, इनसे ₹15 में खरीदेंगे और इन लोगों को ₹10 में देंगे। तो ये तो मतलब ₹12,000 था ना, ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी, और कोलैप्स नहीं होगी तो हैवी इन्फ्लेशन आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो ये खत्म हो जाएगा। तो मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम की ये सबसे बड़ी समस्या रहती है कि एक्सटर्नल फैक्टर उसको गड़बड़ा देते हैं। इसके जुगाड़ के लिए सेंट्रल बैंक भी एक हथियार इस्तेमाल करती है, उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन।
जब भी राजन भाई को ऐसा लगे कि भाई डॉलर का बहुत डिमांड ज्यादा बढ़ गया है और वहां नहीं मिलेगा और मेरी तिजोरी पे खतरा है, वो खुद ही नया नोटिफिकेशन दे देंगे कि अब से $1 = ₹10 नहीं, मेरा नया नोटिफिकेशन ये है कि $1 = ₹11, मतलब अन्य शब्दों में बोले कि रूपी का 10% उसने खुद ही डिवेल्युएशन करवा दिया। उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? जो जनता बाहर जाना चाहती थी पहले 10 लाख रुपए की सूटकेस लेके जा सकती थी, अब उन्होंने 11 लाख की सूटकेस चाहिए। तो कुछ जो कंजूस लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं यार 11 लाख तो ऊपर बढ़ेगा नहीं, कुछ अपना आइडिया पोस्टपोन कर लेते हैं, कुछ ये सोचते हैं कि इससे तो अच्छा कि यही कोई सेल्फ फाइनेंस इंजीनियरिंग फार्मेसी या आईटी कॉलेज में मैं अपनी जवानी बर्बाद कर लेता हूँ। मतलब ये जो अपनी वॉलेटिलिटी आ गई थी कि डॉलर के अचानक से डिमांड बढ़ गई थी, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो राजन भाई फिर से अपडेट कर देंगे अपना नोटिफिकेशन और $1 = ₹10, उस वक्त क्या करेंगे रिवैल्यूएशन करवा देंगे। इसका एक और भी फायदा होता है, जब भी करेंसी का आप डिवैल्यूएशन कराएं तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है। बढ़ता क्यों है? पहले टॉम क्रूज मान लीजिए भारत में $1 का नोट देते थे, ₹10 हाथ में आ गए और 10 एक्लेस लेके जा सकते थे, अब वो $1 का नोट देंगे 11 उनके पास रुपए आ गए और 11 एक्लेस, तो पहले से उनको अब सस्ता लगता है, तो एक्सपोर्ट को ये बढ़ावा देता है। 99 में एक सवाल पूछा गया, डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी में प्रमोट द एक्सपोर्ट, कि डिवेल्युएशन से करवाने से एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है, और रीजन ये दिया गया, प्राइस ऑफ कंट्रीज प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट फॉल ड्यू टू डिवेल्युएशन, कि जब डिवेल्युएशन किया जाएगा तो अपने देश की वस्तुओं की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम हो जाएगी, इस कारण से वो एक्सपोर्ट करता है। अजर्शन है, रीजन है, और ऑप्शन तो आपको पता ही होंगे क्या होना चाहिए जवाब, बोथ आर करेक्ट, और दूसरा पहले को एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है? करता है, देख लेते हैं। मान लो पहले ये चल रहा था $1 के ₹10 और 10 के अंदर एक तूफानी हम थम्सअप खरीद सकते, अब आप समझिए कि मैं और आप दिमाग में सोचते हैं तो ₹10 सोचते हैं, टॉम क्रूज सोचते हैं तो वो क्या सोचते हैं $1 की एक बॉटल, और जब राजन भाई ने डिवेल्युएशन करवा दिया कि $1 = ₹11, तब टॉम क्रूज अपने दिमाग में क्या सोचेंगे, 10/11 की ये थम्सअप की एक बॉटल अब मेरे को मिलेगी 0.91 सेंट्स में, तो इंटरनेशनल मार्केट में थम्सअप की बॉटल का दाम गिरा कि नहीं गिरा? गिर गया, $1 से 0.9 सेंट हो गए, अपने लिए तो ₹10 और ₹10, लेकिन फॉरेनर्स के लिए वो सस्ता हो गया, इस कारण से वो भारत से जम के इम्पोर्ट करेंगे और अपना एक्सपोर्ट बढ़ेगा। देयरफॉर अजर्शन वो तो सही था कि डिवेल्युएशन से एक्सपोर्ट बढ़ता है, यस, और रीजन भी सही है कि इंटरनेशनल मार्केट में अपने वस्तु की कीमत कम हो जाती है, उस कारण बोथ आर राइट एंड आर एक्सप्लेन्स। ठीक है, तो अब 70 के दशक से हम देखें रूपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट, पहले ये चलता था कि $1 = ₹10 जो मैंने अब तक आपको एग्जांपल में, लेकिन फिर उस वक्त भी एक्सटर्नल फैक्टर जो भी आ जाते थे तो रिजर्व बैंक अपने आप ही इंडियन रूपी को डिवेल्यू करवा देती है, धीरे धीरे 11 थे तो आप समझिए 11 पॉइंट समथिंग करवाया होगा, फिर वापस रिवेल्यूएशन, ऊपर नीचे करते करते हम बढ़ते रहे। ऐसा करते करते जब 91-92 की क्राइसिस आई तो हमने देखा कि इनकी फॉरेक्स तिजोरी तो जीरो हो गई, मतलब कि अगर रिजर्व बैंक ने ये बोला होता उस वक्त कि भाई $1 के ₹30 है ना, और यदि एक भी आदमी आ जाता कि सर मुझको वो फॉरेक्स डीलर नहीं दे रहा है, आप अपनी तिजोरी से निकाल के दो, तो आरबीआई को हाथ खड़े कर देने पर। तो तब से मतलब 92 तक सबक लिया और 93 से नया सिस्टम चालू कर दिया, उसको बोला फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम। यहाँ पे ये जो रुपया कमजोर हुआ फिक्स्ड एक्सचेंज में, कि राजन भाई मतलब उस वक्त के जो भी गवर्नर थे वो खुद ही बोल देते थे कि अपना रुपया ये वैल्यू रहेगा, तो उसको बोलते थे डिवेल्युएशन। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम में राजन भाई ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं कोई ये नहीं बोलूंगा कि $1 की ये दाम होना चाहिए, वो दाम होना चाहिए, मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड दे विल डिसाइड कि क्या दाम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देखिए रुपया तो फिर भी कमजोर होता ही रहा है, कि ये $1 का 30 था, 40, 50, फिर वापस 40, अभी वो 60 के आसपास चलता है। मतलब कि जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम में अपना रुपया कमजोर हो तो उसको बोलते हैं डिवेल्युएशन, फ्लोटिंग में यही बात हो तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फिर से समझ ले कि $1 का पहला दाम था ₹10, मान लो कि वो हो जाए $1 का ₹50, मतलब रुपया कमजोर हो गया, डॉलर स्ट्रांग हो गया। ऐसा जब फिक्स्ड एक्सचेंज रिजिम में हो कि सेंट्रल बैंक खुद ही अपने आप ही बोल दे कि ऐसा करना है, इट विल बी कॉल्ड डिवेल्युएशन ऑफ द करेंसी। पर यही चीज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम में हो तो उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी।
सेकंड थिंग उसका उल्टा कि मान लो अभी चल रहा है डॉलर का 50 रुपए और वो कम होके डॉलर का 10 रुपए हो जाए, मतलब डॉलर वीक हो गया और अपना रुपी स्ट्रांग हो गया। जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम में ये होगा तो इसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, और फ्लोटिंग में होगा तो इसको बोलेंगे एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। यहाँ ये तो सेंट्रल बैंक खुद तय करेगी, यहाँ सेंट्रल बैंक तय नहीं करती, वो तो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं। वैसे तो दिमाग में फिट हो हाँ ये स्ट्रांग हुआ वीक हुआ, लेकिन मैंने पहले भी बोला था मुख्य परीक्षा में आप कुछ लिखे इंटरव्यू में कुछ लिखे तो शब्दों की अंदर बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। जो डेप्ट और एक्विटी के अंदर वो एक तरफ इंटरेस्ट मिलता है दूसरी तरफ डिविडेंड मिलता है, उसी प्रकार यहाँ पे भी आप अगर कुछ बोलेंगे वो अपने हिसाब से आपको गलत कर देगा। फिक्स तो हमने समझ लिया कि वहां सेंट्रल बैंक खुद ही तय करती है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम में क्या होता है, आरबीआई डज नॉट इंटरवीन इन द मार्केट टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट, फ्री मार्केट सप्लाई डिमांड वो अपने आप तय करे कि डॉलर का 60 होगा 70 होगा जो भी। तो ये होती है आइडियल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम, लेकिन रियल लाइफ में फिर ऐसा करते मार्केट फोर्सेस को कि जो करना है करो, तो बाजार में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ जाएगी जो अपने ट्रेड पॉलिसी के हित में नहीं है। जो भी नंबर है 60 हो 90 हो लेकिन वो स्टेबिलाइज रहना चाहिए, ये स्टेबिलाइज करती है सेंट्रल बैंक। हाँ इस कारण में जो ये जो स्टेबिलाइज करने की प्रक्रिया है, ऐसा जो एक्सचेंज रेट रिजिम हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम। उदाहरण से हम ये समझें, टॉम क्रूज एक फॉरेन इन्वेस्टर है और किसी ने इसे टिप दे दी कि तुम भारत के शेयर मार्केट में खरीदी करो तो तुमको 18% 20% रिटर्न मिलेगा। तो टॉम क्रूज और दूसरे लोग क्या होंगे, वो सारे अपने डॉलर लेके लाइन में खड़े हो जाएंगे इंडियन फॉरेक्स मार्केट में कि हमारे ये डॉलर ले लो, सामने हमको रुपया दे दो और उस रुपये से हम जाके इंडियन शेयर्स बॉन्ड वगैरह खरीदना चाहते हैं। जब ऐसा अचानक से हो जाए बहुत सारा डॉलर भारत में आने लगे तो स्वाभाविक है इस तरफ ये नंबर बढ़ रहा है और ये अपना उतना ही है, तो इन दिस केस रुपी विल गेट स्ट्रांग कि एक डॉलर जो पहले 50 में बिकता हो अब एक डॉलर 40 में, तो रुपया स्ट्रांग हो जाएगा डॉलर वीक हो जाएगा। ये एक्सपोर्ट के लिए बढ़िया नहीं, इंपोर्टर वालों को मजा है लेकिन एक्सपोर्टर को मजा नहीं। और मैंने बोला कि क्या नंबर है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें वॉलेटिलिटी है, 50 आज कल 40 फिर 30 नहीं, तो ऐसी वॉलेटिलिटी को खत्म करने के लिए आरबीआई इंटरफियर करेगी। इंटरफियर कैसे करेगी, ये जो डॉलर लेके लाइन में खड़े उनमें से कुछ डॉलर भाई खुद ही खरीद लेंगे और उनको सामने पैसा दे देंगे ताकि वो वॉलेटिलिटी कम हो जाए और इक्विलिब्रियम वापस रिसेट होके एक डॉलर के 50 रुपए पे आ जाए। मतलब आरबीआई दिमाग से ये सोच के नहीं चली कि मुझे 50 ही रखना है बट आसपास कुछ चलाना है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम। ये तो एक बात, अब उसका विपरीत जब होता है, टॉम क्रूज ने भारत के शेयर खरीद लिए, अचानक से किसी ने उसको टिप दे दी कि भाई तुम चाइना के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो वहां पे 25% रिटर्न मिलेगा, स्वाभाविक है टॉम क्रूज अपने भारत के सारे शेयर्स बेच देगा। बेचेगा तो उसके हाथ में आएंगे इंडियन रुपीस और रुपीस से उसे कन्वर्ट करके मान लो डॉलर करवाना है तो इस केस में सडन परचेज ऑफ डॉलर शुरू हो जाएगा और सामने से इतने लोग खड़े नहीं होंगे जो डॉलर तब्दील करवा के रुपी लेना चाहते हैं। इन दिस केस फिर डॉलर महंगा हो जाएगा अपना रुपया सस्ता हो जाएगा, तो एक्सचेंज रेट ये दिखेगा अपने को, एक डॉलर जो पहले 50 में बिकता था अब वो एक डॉलर 60 में बिकेगा, एक प्रकार से रुपी वीक हो गया डॉलर स्ट्रांग हो गया। इस केस में एक्सपोर्टर को मजा आएगा लेकिन इंपोर्टर को मजा नहीं आएगा। अगेन क्या आइडियल नंबर होना चाहिए ये तो डिसाइड करेगा मार्केट, बट वॉलेटिलिटी कम करनी है तो राजन भाई इस केस में क्या करेंगे, अपनी तिजोरी में जो डॉलर बना के रखे थे उसमें से थोड़े बेचने को निकालेंगे और ये वॉलेटिलिटी यहां से सकअप कर लेंगे। तो अगेन ही हैज इंटरफियर्ड इन द मार्केट टू प्रिवेंट द वॉलेटिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट, एक टू स्टॉप द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी आरबीआई शुड सेल डॉलर फ्रॉम इट्स फॉरेक्स रिजर्व, एप्रिसिएशन बंद करवाना हो रूपी का तो अपनी तिजोरी से भाई ने डॉलर बेचना चाहिए, और सेकंड थिंग रुपी का डेप्रिसिएशन बंद करवाना हो तो आरबीआई ने बाजार से डॉलर खरीद लेने चाहिए। ए करेक्ट है बी करेक्ट है बोथ या नन, मन में कुछ विजुअलाइज करिए क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। बोथ राइट या बोथ रॉन्ग देख लेते हैं। वॉलेटिलिटी खत्म करवानी है पहले तो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन वो दिमाग में होना चाहिए। डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, एप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, डेप्रिसिएशन किसको बोलेंगे रुपी का कि आज अगर 50 रुपए में एक डॉलर बिकता हो कल 60-65 में तो रुपया कमजोर हो रहा है, कमजोर हो रहा है तो हम बोलेंगे कि रुपया डेप्रिसिएट हो रहा है। भाई ने अगर ये खत्म करवाना हो तो क्या करना पड़ेगा, रुपी के सामने डॉलर का सप्लाई बढ़ा दो आप तो वापस वो इक्विलिब्रियम ऊपर आने लगे। सो टू स्टॉप द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी ही हैज टू सेल डॉलर्स फ्रॉम हिज फॉरेक्स रिजर्व, मतलब डेप्रिसिएशन
रुपया कमजोर होने से बचाना है तो आप डॉलर का सप्लाई लेके आओ, कहां से लेके आओगे, अपनी तिजोरी से। अब ये एक सेट हो गया तो उसका विपरीत अपने आप सेट हो जाएगा। कि एप्रिसिएशन से बचवाना हो, मतलब आज अगर 65 में रुपया बिक रहा था, कल 60, फिर 50, फिर 40, तो रुपया जब स्ट्रांग हो रहा और डॉलर वीक हो रहा, तो उस केस में राजन भाई ने क्या करना चाहिए, एक्सेस डॉलर अपनी तिजोरी में खरीद लेने चाहिए। टू स्टॉप द एप्रिसिएशन ऑफ रुपी ही शुड परचेज द डॉलर फ्रॉम द मार्केट और अपनी तिजोरी में फॉरेक्स में भर दो। तो उसके अनुपात से पहला स्टेटमेंट भी गलत होगा, दूसरा भी आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉट टू। एप्रिसिएशन में इसका उल्टा करना है, भाई ने अपने सेल नहीं करना है, डॉलर खरीद लेना है, और डेप्रिसिएशन में डॉलर खरीदने नहीं, अपनी तिजोरी से डॉलर बेचने हैं। तो करेक्ट में पूछा जाए तो डी आएगा, और इनकरेक्ट पूछा जाए तो जवाब होगा सी, बोथ वन एंड टू आर इनकरेक्ट। खैर, तो जो एक्सचेंज रेट रिजिम हमने दो देखी, एक तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की सेंट्रल बैंक खुद ही तय करेगी क्या रहेगा, और एक होती है फ्लोटिंग की, वो सेंट्रल बैंक अपने हाथ खड़े कर देगी मार्केट फोर्सेस। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, दोनों के बीच की परिस्थिति है कि वैसे तो इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करेंगे एक्सचेंज रेट, बट जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाए तो आरबीआई इंटरफियर करेगी, इंटरवीन करेगी। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम। ज्यादातर देशों में यही सिस्टम है, कुछ कम्युनिस्ट देशों ने अभी इससे बाहर रहे, लेकिन इवन चाइना भी समझ के मैनेज के अंदर ही वो आ गया है। एक पैरेलल छोटा सा टॉपिक है नीर और रीर, ये क्या है, और बस इसमें तो डेफिनेशन का रट्टा माना और इम्प्लीकेशन समझ लेनी। नॉमिनल और रियल पहले तो याद करें। अगर मैं आपको कागज पे लिख के दूं कि आपके इन्वेस्टमेंट पे 4% दूंगा या 9%, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, लेकिन उससे पता नहीं चलेगा कि अपने को मजा आएगा कि नहीं, परचेजिंग पावर अपना बढ़ेगा कि नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नॉमिनल से आप महंगाई को माइनस कर दो तो यू विल गेट रियल इंटरेस्ट रेट, और उसका पॉजिटिव नेगेटिव हमने देखा। उसी प्रकार कोई देश ये कहे कि हमारा तो ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है, अगेन वो तो नॉमिनल है, उससे पता नहीं चलेगा, महंगाई उसके अंदर से आपने काटनी पड़ेगी। तो आप नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा रियल जीडीपी उस देश का कितना है। उसी प्रकार एक्सचेंज रेट के अंदर इन्फ्लेशन का कोई फैक्टर, उसे एडजस्ट करना हो तो कैसे करोगे, तब जाके बात आती है अपनी नीर और रीर की। इसका फॉर्मूला रट्टा मारना है, वैसे तो आसान है। रियल एक्सचेंज रेट कब मिलेगा, मान लो अपने को इंडियन रूपी और डॉलर के बीच का रियल इंटरेस्ट रियल एक्सचेंज रेट फाइंड करना है, तो आप नॉमिनल पहले पकड़ो, मान लो नॉमिनल चल रहा है 50 मल्टीप्लाइड विद एक ब्रैकेट में भारत के अंदर कितनी महंगाई है डिवाइडेड बाय यूएस में कितनी महंगाई है। ये पूरा नंबर निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा भारत के इंडियन रूपी का रियल एक्सचेंज रेट क्या है कंपेयर टू यूएस डॉलर्स। अब ये तो एक नंबर अपने को मिला डॉलर के सामने, उसी प्रकार यूरो के सामने निकालो, पाउंड के सामने, येन, यूएन, सब के सामने निकालो, छह करेंसी के साथ आप निकालो, और उनका एक वही जियोमेट्रिक मीन निकालोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा उसको बोलेंगे रियल रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। छह कंट्री का करोगे तो 6, 36 का करोगे तो 36। टेक्निकली फॉर्मूला अगर देखना हो तो रियल ऐसा होता है जो एक कंट्री का अपने को नॉमिनल मिल गया, नॉमिनल मल्टीप्लाइड विथ भारत की महंगाई, पार्टनर देश की महंगाई, ब्रैकेट बनाया और इस पार्टनर देश के साथ अपना कितना ट्रेड रिलेशन है उस हिसाब से उसको वेट असाइन किया गया। तो एक देश का अपने को नीर मिलेगा, वैसे सभी देशों का करके सिग्मा निकाल के वो जियोमेट्रिक कैसा करके बनता है। ठीक है, फॉर्मूला बहुत याद है, इतना ही याद रखना है, वेटेड है, जियोमेट्रिक मीन है। दूसरा जो याद रखना है, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, नीर और रीन की मदद से हमको क्या पता चलता है। अगर मार्च 2014 में अब छह देशों का करेंसी के साथ कंपेयर करें, अपना नीर या नॉमिनल वो था 66 और इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके रीन निकालोगे तो वो जवाब मिला 112। याद एमसीक्यू के लिए ये रखना है कि यदि रीर 100 से बड़ा नंबर मिले तो उसका मतलब कि अपनी करेंसी ओवरवैल्यूड है। ओवरवैल्यूड का इंटरप्रिटेशन ये होगा, आज अगर एक्सचेंज रेट चल रहा है एक डॉलर का 60 रुपीज, तो ओवरवैल्यूड का मतलब ये कि अपनी तो 60 रुपए की भी औकात नहीं है, अपनी 100 रुपए होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, उससे ऊपर है, ओवरवैल्यूड है। क्यों, वो सेंट्रल बैंक ने कुछ ज्यादा इंटरफियर कर दिया होगा। अगर 100 से ये रीर का जवाब कम मिले तो उसका मतलब ये होगा कि करेंसी अंडर वैल्यूड है। एक डॉलर के सामने अगर युआन है 6, लेकिन असल में अगर फ्री मार्केट फोर्सेस खुद काम करती तो हो सकता था कि एक डॉलर केवल 3 युआन में बिकता, मतलब जो युआन की असली कीमत है उससे वो जानबूझ के कम कीमत में बिक रहा है, अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड कब होगा, उनकी सेंट्रल बैंक जानबूझ के फॉरेक्स
मार्केट्स के अंदर से डॉलर उठा रही हैं। अब देखिए मैनेज फ्लोटिंग रेट हमने समझा था कि सेंट्रल बैंक बाजार से डॉलर खरीदेगी या बेचेगी डिपेंडिंग कि उसको एप्रिसिएशन बचाना है कि डेप्रिसिएशन बचाना। ये चाइनीज रिजर्व बैंक मतलब उनकी जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ये क्या कर रहे हैं कि युआन का कभी एप्रिसिएशन होने ही नहीं देते, जब भी होने लगे तो वो जानबूझ के जरूरत ना हो तो भी ढेर सारे डॉलर बाजार से खरीदना शुरू कर लेते। तो स्वाभाविक अपने आप डॉलर का शॉर्टेज हो गया और युआन तो उनके छपते ही गए तो वो अंडर वैल्यू होता रहेगा। मतलब इन रियल लाइफ मान लो मार्केट फोर्सेस को छूट दिया, आप ही करो पूरा, तो हो सकता है एक डॉलर बिकता है 4 युआन में, लेकिन जानबूझ के ये लोग डॉलर खरीद लेते हैं सेंट्रल बैंक वाले, उस कारण डॉलर की शॉर्टेज रहती है और डॉलर बिकता है 6 युआन में। ऐसा क्यों करते हैं चाइना वाले, जब आपकी करेंसी अंडर वैल्यू होगी तो बाहर वाले लोगों को आपकी चीजें सस्ती दिखेंगी, इंटरनेशनल मार्केट में आपके एक्सपोर्ट्स का दबदबा रहेगा। ऑफिशियली तो इनका भी रीड निकालो आप चाइना का तो वो 112 के आसपास, जैसा आपने निकाल वो भी 100 के ऊपर निकलता है, लेकिन एक्सपर्ट का ये मानना है कि वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं फिर भी, इस कारण से उनका अंडर वैल्यू रहता है युआन ताकि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके। अजर्शन रीजनिंग, रीर इज एन इंडिकेटर ऑफ ट्रेड कंपेटिटिवनेस और रीजन ये बताया गया है, रीर इज अ वेटेड एवरेज ऑफ नीर एडजस्टेड फॉर प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन इंडिया एंड इट्स मेजर ट्रेड पार्टनर्स। अब इसका जवाब ये होगा कि दोनों ही वाक्य सही है और दूसरा पहले को एक्सप्लेन करता है क्यों, ये इकोनॉमी सर्वे के अंदर थियरी में ये सेम टू सेम इज बिकॉज ऑफ दिस। तो रीर वेटेड एवरेज है हाँ, और उससे ट्रेड कंपेटिटिवनेस का पता चलता है, कैसे अंडर वैल्यू है ओवर वैल्यू, इस हिसाब से हम समझ स्पेकुलेट कर सकते हैं कि अपना एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि कम रहेगा। सेकंड अजर्शन रीजनिंग, टू सस्टेन हाई करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नीड्स नेट इनफ्लो इन कैपिटल अकाउंट, कि करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा हो तो उसको सस्टेन करने के लिए अपने कैपिटल अकाउंट में ढेर सारा पैसा आना चाहिए। अजर्शन रीजन ये दिया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स रिसोर्स एक्सपेंडिचर इम्बैलेंस इन वन सेक्टर नीड्स टू बी फाइनेंस थ्रू बोरोइंग फ्रॉम अनदर, एक जगह पे कुछ कमी हो तो दूसरी जगह से उधारी में करना पड़ता है। इसका भी जवाब होगा दोनों सही है और दूसरा पहले को एक्सप्लेन करता है, क्यों करता है अगेन सर्वे के अंदर ये इस प्रकार से बताया गया है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं सीएडी में खड्डा है तो कैपिटल में सरप्लस होना चाहिए, और ऐसा क्यों, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक जगह खड्डा हो तो दूसरी जगह से वो बैलेंस आपको लाना पड़ेगा ही। बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसकी डेफिनेशन, करंट कैपिटल हमने समझ लिया, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कैसे बनती है, और एक्सचेंज रेट की 3 रिजिम हमने देखी, फिक्स फ्लोटिंग और मैनेज। अब जो देखना है नीर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी, पहले तो सवाल की ये कन्वर्टेबिलिटी चीज क्या है और क्यों होनी चाहिए, और फिर करंट और कैपिटल पे ये बात समझेंगे। हम वापस याद कर ले प्रेजेंट सिस्टम, हर एक सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, कि जब डेप्रिसिएशन बचाना हो तो डॉलर को सेल करो, एप्रिसिएशन बंद करवाना हो तो डॉलर को बाय करो, लेकिन ये बाय सेल करना है तो अपनी तिजोरी में ढेर सारा डॉलर भी होना चाहिए और रुपया भी होना चाहिए, तब आप इस गेम को मैनेज कर पाओगे। लेकिन फिर भी अगर मार्केट फोर्सेस को फुल आपने फ्रीडम दे दिया जो करना है करो, तो अचानक से हो सकता है कि कल टॉम क्रूज ढेर सारा डॉलर लेके आए तो इसी दिन अचानक से भाग जाए, मैनेज करना फिर भी मुश्किल हो जाएगा। इस कारण से इन सभी लोगों को करेंसी कन्वर्ट करते वक्त कुछ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन उनपे रखे हैं, और ये जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन रखे हैं वहां से हम शुरू होते हैं अपनी कन्वर्टेबिलिटी।